Anyone will tell you. Thank you. Shri Amit Shah to reply the discussion. धन्यवाद सभापति महोदय। आज जो बिल लेकर मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, वो बिल के चर्चा में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर श्रीमान आठवले जी तक 34 सम्माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इसके चर्चा के समय सभी ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से पक्ष और विपक्ष दोनों में विचार रखे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से माननीय पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। माननीय मैं आज जो बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो महामहिम राष्ट्रपति जी के 19 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, वो अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्तापित करने के लिए बिल लाया। ये इसका मूल उद्देश्य। मैं सारी बातों का डिटेल जवाब दूंगा कि बिल क्यों लाना पड़ा, अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी, ये बिल कैसे संविधान सम्मत है, ये बिल कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी भी एंगल से किसी भी तरह से इसको वायोलेट नहीं करता है, ये सारी चीजों का मैं जरूर जवाब दूंगा। माननीय महोदय, चूंकि इतनी लंबी चर्चा इस सदन ने करी है, मैं दिल्ली की स्थिति को थोड़े शब्दों में जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा। माननीय दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहाँ संसद भवन भी है, कई सारे इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियां यहाँ विराजमान होती, सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज यहाँ है, और बार बार दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ आते हैं। माननीय, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर यहाँ की सरकार को सीमित मात्रा में अधिकार दिए हैं। दिल्ली असेंबली के साथ मगर सीमित अधिकारों के साथ यूनियन टेरिटरीज है, तो आगे पर जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। माननीय, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं तो संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज है, और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकते सपने पूरे हो सकते हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं लड़ना पड़ता। माननीय अध्यक्ष
अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के शासन का इतिहास भी मैं जरा बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता पूर्व भी दिल्ली कई सालों से किसी न किसी प्रकार से देश का सत्ता का केंद्र रहा, राजधानी रहा। नजदीक के भूतकाल में चले जाइए तो 1911 में दिल्ली तहसील और महरौली थाना, ये दोनों को अलग करकर राजधानी बनाया गया। बाद में वर्ष 1919 और 1935 के अधिनियमों में उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस माना। स्वतंत्रता के समय के जब संविधान बनने की प्रक्रिया हुई, उस वक्त दिल्ली के स्टेटस के बारे में पट्टाभी सीतारमैया और बाबा साहेब अम्बेडकर की एक कमिटी बनी और ड्राफ्टिंग कमिटी ने दिल्ली की स्थिति को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया। माननीय सभापति महोदय, पट्टाभी सीतारमैया समिति ने दिल्ली को लगभग राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। उसी कमिटी के चर्चा के वक्त पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका अलग अलग तर्क देकर विरोध किया था। माननीय, 1949 में संविधान के अंतिम मसौदे के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजी गई डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट का मैं पेरा पढ़ना चाहता हूं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत के राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन दिल्ली को रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद राजधानी के संबंध में पूर्ण विधायी शक्ति का अधिकार रखती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है। आगे अंबेडकर की रिपोर्ट कहती है, किसी विशेष क्षेत्र के मामले में क्या किया जाना है, ये राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। निसंदेह वह अन्य मामलों की तरह इसमें भी जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर काम करेंगे। यदि वह चाहे तो दिल्ली में एक उपराज्यपाल रख सकते हैं, वह आदेश द्वारा एक स्थानीय विधायिका भी बन सकता है और इसके संगठन एवं शक्तियों का प्रावधान संसद कर सकती है। माननीय श्रीमान मनोज जी ने कहा कि मैं कोटेशन को पढ़ाता हूं। मनोज जी, अगर इसी प्रकार के कोटेशन का इंटरप्रिटेशन आप JNU में पढ़ाते होगे तो विद्यार्थियों की बुरी गत होगी। कोटेशन का रेफरेंस माननीय कई मायनों में बदलता है, मगर भौगोलिक स्थिति और राजधानी का अस्तित्व ये तो आज भी वही है। ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के साथ सहमत नहीं थी कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। मनोज जी जरा समझा दे सदन को कि आज क्या दिल्ली राजधानी नहीं है? आज दिल्ली की राजधानी का महत्व समाप्त हो चुका है। कोटेशन कुछ ऐसे होते हैं मनोज जी जो पृथ्वी के अंत तक सत्य सनातन होते हैं, बदलते नहीं। कुछ कोटेशन ऐसे भी होते हैं। मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 से दिल्ली को विधानसभा दी गई, किंतु विधानसभा की शक्तियां सीमित एवं संसद के कानून के तहत रखी गई। ये भी सोच समझ कर किया गया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में विधानसभा को भंग कर दिया गया और दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। लगभग 3 दशक तक मान्यवर व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकार या कमेटी बनी जो बाद में बालकृष्णन कमेटी में परिवर्तित हुई और उसमें 1991 में 69वां 69वां संवैधानिक संशोधन किया, जिसमें संविधान में धारा 239 AA डाली गई और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया।
मैं इस बात पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के रेफरेंस में संविधान का जब भी जिक्र करते हैं, दिल्ली के शासन को मिले हुए अधिकारों के लिए, तब संविधान में धारा 239 AA को पढ़ना होगा, क्योंकि ये विशेष धारा है जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीज़ों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते हैं। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है, हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। माननीय, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर माननीय इसका रास्ता निकलेगा। माननीय, क्या हुआ बाद में, 91 से 2015 तक ऊपर नीचे कई बार एक दल की सरकार आई, कई बार विपक्ष की सरकार। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वर्णन किया गया है, ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर वो ही चलते थे। 91 से लेकर 2015 तक मदनलाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से, केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। माननीय, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार आई और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है, भैया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया, ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया है। और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आया है। माननीय, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। माननीय, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे, जो अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। माननीय, मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि नई व्यवस्था आई, कई सदस्यों ने कहा, मैं तो तब बोलना नहीं चाहता मगर कहा है इसलिए सिर्फ रिपीट करता हूं कि अराजकता फैलाने का काम दिल्ली में शुरू हो गया। माननीय, शासन व्यवस्था के एक फ्रेमवर्क में चलना पड़ता है। अगर मैं मंत्री हूं तो मेरे मंत्री के नाते अधिकार है तो दायित्व भी है, मैं किसी और के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। माननीय, कई बार ऐसी व्यवस्था, मैं बाद में बात करूंगा, अभी चिदंबरम जी
खड़े हो गए थे, वो होम मिनिस्टर थे तब क्या हुआ था और उन्होंने फाइल पर क्या लिखा है वो भी है मेरे पास, मैं बताऊंगा मान्यवर। परंतु मैं इतना स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि 91 से लेकर 2015 तक ये व्यवस्था जस की तस थी, जिसको बदलने के लिए 2015 में एक परिपत्र किया गया दिल्ली सरकार द्वारा, जिसको नलीफाई करने के लिए भारत सरकार ने एक परिपत्र सेवाओं के बारे में इश्यू किया। उसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष में फैसला आया, फिर सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को वो रिफर कर दिया गया। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक आदेश दिया जिसका सार है कि मंत्री परिषद की अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया। मान्यवर फिर वो डिवीजन बेंच के अंदर, दो जज की बेंच के अंदर गया, वहां सहमति नहीं बनी और फिर से खंडपीठ को रिफर कर दिया गया और 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सेवाओं के मामले में अपना निर्णय दिया। ये जो निर्णय है मान्यवर, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये विषय तय किया है, भारतीय संघ को केवल 3 विषयों पर पॉलिसी और पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 विषय पर ही कार्यकारी अधिकार प्राप्त है, सेवाओं का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहता है। परंतु उसी जजमेंट में ये कहा गया, हालांकि 239 AA को कोट कर कि संसद को दिल्ली राजधानी क्षेत्र के सभी विषयों पर और किसी भी क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है। मान्यवर अब जो लॉयर होते हैं वो बातों को बहुत खूबसूरत तरीके से रखने में माहिर होते हैं। एक ही अधिवक्ता एक बार एक धारा को डिफेंड करता है तो वही अधिवक्ता दूसरी बार वही धारा का विरोध करता है, मगर हमको तो ऐसी महारत हासिल नहीं, हम तो सार्वजनिक जीवन के छोटे कार्यकर्ता है तो जो सच होते हैं वो बोलते हैं। मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी को ध्यान से सुना, मान्यवर उन्होंने कहा, उन्होंने क्या करा उनको पूरा मालूम है, मैं मानता हूँ मालूम होगा, बड़े विद्वान वकील है, उन्होंने अनुच्छेद 339(7)(a) को पढ़ा जिसमें लिखा है 239(7)(a) के तहत संसद को केंद्र सरकार के प्रावधानों को इफेक्ट देने या सप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार, ये उन्होंने पढ़ा, मगर इसके ऊपर 3B में नहीं गए। मैं अब पढ़ता हूं 3B क्या है। पहले मैं 239(a) में दिल्ली के विषय में विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश है, विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश। मान्यवर इसके 239(a)(a)(3)(b) के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। अब मैं विनम्रता से इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर आता है इसमें सर्विसेस आती है या नहीं आती है, सर्विस विषय है या नहीं है? और मान्यवर और इससे आगे जाकर 239(a)(a)(3)(c) के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए।
अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो माननीय माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, वुड यू प्लीज रेज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रहूंगा। आवर रोल इज, आवर रोल सेज अनपार्लियामेंट्री वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस हाउस। वी हैव द बुक ऑफ लिस्ट, और उसी लिस्ट के हिसाब से किसी पार्टी किसी के साथ जाने पे उसकी गोदी में बैठी है, ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री है। कल हम भी बोलेंगे। आप बात करते हो तो गोदी में बैठे हैं, बोलेंगे कौन सी गोदी है, किसकी गोदी में बैठे हैं। तो डेकोरम आप कहते हो, तो डेकोरम मेंटेन हम भी करना चाहते हैं। और स्पीकर सर, यू आर नॉट टू मेक अ स्पीच, आई हैव हर्ड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आई रिजेक्ट द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टेक योर सीट सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी बड़ी दुहाइयां दी, संविधान की दुहाइयां दी, डेमोक्रेसी की दुहाइयां दी, और अदालत के फैसले की सम्मान करने की दुहाइयां दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूं। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूँ कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो न्याय की कानून की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जनभावनाओं के अनुरूप वो नहीं पाए जाते हैं। तो दे इस आज़ादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण है जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आया, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला है। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष जी। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी माननीय, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की
सदस्यता जो चली गई थी इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं, और इमरजेंसी डालकर लाखों लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं, कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? Members, please take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. Take your seat. One sec, please. Honorable members, the Honorable Home Minister was throughout present by and large, and he heard everyone very patiently. And everyone in the House, now he has a right and duty as Home Minister to address the House. He is something wrong? No, Honorable Home Minister, nothing will go regard. Please. मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है भैया, डिस्कर्स। मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। मान्य अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। मान्य अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और जब माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश अब लाए थे, तो एक बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए। मैंने देखिए, इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उद्वेलित होगी, मगर मुझे देना पड़ेगा। मैंने देखिए, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला आया और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को SC को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। मान्य अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा, इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी 2 दर्ज हुए इसी विषय पर। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूं, और एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया, उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती है और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते, संविधानिक खंडपीठ भी बना सकते और स्थगन आदेश दे सकते। वैकेशन के बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस आ गया, वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज करके स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं, अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए। मगर यहां चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे, भैया अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लालायित। इसलिए मान्यवर, ये जल्दी करनी पड़ी। मान्यवर, मैं आगे बताता हूं ये जल्दी क्यों करनी पड़ी।
मान्यवर, अब मेरी भी मेरे पास भी एक क्रोनोलॉजी है, जरा उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, 11/5/23 को ये अध्यादेश आया और ये फैसला है। फैसला लगभग लगभग 3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर? फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने एक फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इस पर आदेश पारित करेगी, तब जाकर फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी, जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, एक नीति विषयक फैसला लिया जो दो जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ, दो जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया, सोशल मीडिया में घोषणा कर दी। अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है, सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं, इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई। मान्यवर, इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैनुअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ ने खंडपीठ को आदेश भेजा है, इंटरप्रिटेशन भेजा है, इस पर खंडपीठ ने, दो जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है, यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। मगर विश्व में कोई भी विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया, ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी, इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर, मान्यवर केशव राव जी कहते थे हम तो ना इनके साथ है ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है ना उनसे जुड़ाव है, बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ, आप पार्टी के साथ जुड़ाव हो, इसीलिए आप वहां बैठे हो। मान्यवर, ये एक फाइल थी आबकारी घोटाले वाली, दूसरी फाइल थी एक यहाँ पर शीश महल बना है मान्यवर, बहुत बड़ा शीश महल, हमने असंसदीय क्या है? अभी मैं आगे तो बोला ही नहीं।
व्हाट इज योर ऑब्जेक्शन? व्हाट इज द प्रॉब्लम? फॉर सेक ऑफ ऑब्जेक्शन यू आर रेजिंग ऑब्जेक्शन. पागल हो गया है. नो, यू जस्ट वांट टू होल्ड द फ्लोर. 258. सॉरी, प्लीज. 258. सॉरी, लेट अस नॉट मेक इश्यू ऑफ नॉन इश्यूज. 258. Take your seat. 258. Take your seat. Sit down. You take your seat. Okay, I'll sit. Take your seat. Take your seat, please. Take your seat. 258. Take your seat. Honorable Minister. मान्यवर, मैं कहता हूँ सीस माइल में क्या असंसद संसदीय है, चर्चा करे जरा खड़े होकर. वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं. जरा समझाइए. मान्यवर, मेरा निवेदन है, मान्यवर मेरा निवेदन है, असंसदीय क्या है इसमें इसकी चर्चा की जाए. मेरा निवेदन है. टेक योर सीट प्लीज. टेक योर सीट. टेक योर सीट. टेक योर सीट. शीश महल पे चर्चा हो जाए. टेक योर सीट. टेक योर यू मिस्टर मिस्टर डेरेक ओब्रायन. मिस्टर डेरेक ओब्रायन, यू डेलिबरेटली गॉट अप only to create disturbance, only to create disruption. This will not be accepted. Please, sir, leader would like to speak. Sir, leader of the house. आपने पिछली बार भी इस विषय के ऊपर बड़ी गंभीरता बताई थी कि जो थिएट्रिक्स करने का सिलसिला इस सदन में जो मान्य सदस्य करते हैं, अगर इनको हिम्मत है, अगर इनका इरादा शीश महल के ऊपर चर्चा करने का है, तो आप अभी की अभी शीश महल के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है. हो जाए शीश महल के ऊपर पूरी चर्चा. जो ये शीश महल को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, टेक योर सीट प्लीज. ऑनरेबल मेंबर्स, आई वॉज हियरिंग द ऑनरेबल होम मिनिस्टर with total focus, and there was nothing in the discourse of the Honorable Home Minister which could have invited the kind of disruption in which Mr. Derek O'Brien. I urge the Honorable Members, we have been decorous during the whole day. Don't act on a plan. Let us believe in decorum. Honorable Home Minister. माननीय अध्यक्ष जी, यही जिसको निशाना बनाया गया वही विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अपनी पार्टी के, सरकार के नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार का जो खर्च हुआ है वो खर्च दिल्ली सरकार से नहीं, आप पार्टी से वसूल कर दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाए 90 करोड़ रुपये. इसकी जांच भी यही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने. मान्यवर, इन्होंने दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब पुलिस नहीं है, इसलिए वहां इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है. मगर उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाया और फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करी. मान्यवर, इसके खिलाफ भी एक जांच चली और ये जांच की फाइल भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने. मान्यवर, BSES और BYPL ये दो बीज वितरण कंपनियां हैं जिनका 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को बकाया है, देना है, फिर भी 2,000 करोड़ का उनको पेमेंट कर दिया गया.
इसकी भी जांच चल रही है, वो जांच की फाइल भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी मान्यवर। और ये आधी रात को जो कागज इधर उधर कोड़ने का प्रयास किया गया वो ही इमरजेंसी थी। चिदंबरम साहब को शायद मालूम नहीं था, इसलिए पूछते थे कि क्या इमरजेंसी थी, तो भाई ये इमरजेंसी थी, इमरजेंसी ये थी। और मान्यवर अगर ये न करते तो सारे घोटालों की फाइलों को गुम करने का एक नया घोटाला रजिस्टर करने का, और इसलिए इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जो संविधान सम्मत है। संविधान में ऑर्डिनेंस की व्याख्या और अधिकार ऐसे स्थितियों के लिए ही दिए गए हैं। और सबको मालूम है जब ऑर्डिनेंस लेकर आते हो तो 6 माह के अंदर या सबसे पहले सदन के अंदर, जो सदन जब मिलेगा तब सदन के सामने रखना पड़ता है। तो आज मैं लेकर आया हूं, अब इसमें गैर संवैधानिक क्या है भाई बताओ। तो इतनी सारी 5 घंटे से चिल्लाट चिल्लाट करते हैं, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? क्या प्रीपेड नहीं नहीं एक सेकंड मान्यवर, खड़गे साहब की बात सही है, चिल्लाना शब्द निकाल दीजिए। बार बार रिपीटेशन के साथ इसको आप दोहरा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। बस खड़गे साहब की बात सही है मान्यवर। अब ये विधानसभा के अधिकारों की बात करते हैं। हम सब ये सम्माननीय सदन के सदस्य हैं। सदन जब राष्ट्रपति महोदय आहूत करती है, बाद में इसका सत्रावसान होता है। ये संविधान की एक बनाई हुई सदन को चलाने की कार्यरीति है। इस पूरे देश में एक ही असेंबली है जिसका सत्रावसान ही नहीं हुआ ना, सत्रावसान होता ही नहीं। स्पीकर साहब सदन को मुलतवी करते और फिर जब बुलाना है, राजनीतिक भाषण करना है, तब सदन को बुलाकर 3 घंटे चलाकर फिर से बंद कर देते। दिल्ली असेंबली ऐसी है जिसका आज तक सत्रावसान ही नहीं हुआ है मान्यवर। आप मुझे बताइए ऐसे चल सकता है? मान्य अध्यक्ष जी, विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1997 के नियम 70 में विधानसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने का अधिकार दिया है। ये अधिकार इस तरह से देश के किसी भी असेंबली के स्पीकर ने नहीं उपयोग किया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, अगर उचित है तो कांग्रेस पार्टी ने जरूर इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई विधानसभा को या संसदों को स्थगन कर कर ही चलाना, कभी सत्रावसान नहीं करना, वो सेशन में ही रहेंगे। अब सेशन में ही रहेंगे तो कानून कैसे बनाओगे? अब कैबिनेट बुला ही नहीं सकते, इसलिए क्या स्थिति है समझिए साहब। 2020 में सत्र की संख्या कितनी हुई दिल्ली के? 1 बजट सत्र। 2021 में कितनी? 1 बजट सत्र। 2022 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। 2023 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। उसके अलावा असेंबली की जरूरत ही नहीं है, इसके अलावा माननीय असेंबली की जरूरत ही नहीं है। ये किस तरह से असेंबली चला रहे हैं मान्यवर? मान्यवर कैबिनेट के अधिकारी की दिया दुहाई दे रहे हैं। 2022 में 6 कैबिनेट बैठक सिर्फ हुई है, 1 साल में सिर्फ 6, इसमें से 3 बजट रिलेटेड है और 3 एक बिजली कंपनी को सहायता करने के लिए बुलाई गई, बाकी 1 भी कैबिनेट नहीं बुलाई। मान्यवर 2023 में सिर्फ 2 ही कैबिनेट बुलाई गई और दोनों बजट के कामकाज के लिए बुलाई। अब आप क्या भैया कैबिनेट का दुहाई देते हो, क्या अधिकार का दुहाई देते हो? ना कैबिनेट मिलती है ना सदन मिलता है और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो भाई? ऐसा कभी नहीं होता भाई। ये जो कहते हैं ना कि क्या विशेष हुआ था, इसलिए मैं समझाता हूं मान्यवर क्या विशेष। मान्यवर IRTS, एम्स, दिल्ली मेट्रो, IIT दिल्ली,
यूआर जैसे ढेर सारे योजनाओं का क्लियरेंस न मिलने के कारण ये इंस्टीट्यूशन और ये डेवलपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं, वो राजनीतिक रूप से रोक कर बैठे। 5G टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता मोदी जी सुगम करना चाहते थे। हमारे अश्विनी भाई बार बार पत्र लिखते हैं, 2016 से झगड़ा चल रहा है मगर इस पर कार्यवाही नहीं करी और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इसको इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है मगर 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए जो सहायता चाहिए भारत सरकार को वो करने का समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। दिल्ली के अंदर 91 से 2015 तक यही व्यवस्था इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी माननीय, और कोई कानून या कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय, मैं फिर से एक बार सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के अधिकारों को ये बिल कानून के द्वारा संविधान सुधारने का प्रयास है। माननीय, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फर्क। अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधानसभा को एंट्री 41 यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी, ये अध्यादेश के अंदर। फिर हमने इसको ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया, काफी लोगों की राय भी ली और लगा कि ये एकदम वायोलेशन तो नहीं है संविधान का मगर ग्रे एरिया है। इसलिए जो मैं बिल लेकर आया हूँ, विधेयक लेकर आया हूँ, इसमें धारा 3A को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए वायोलेशन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। धारा 3A को हमने हटा लिया है, अध्यादेश से हटाकर बिल में धारा 3A को नहीं डाला गया है। अब दिल्ली की विधानसभा को भी सेवा में कानून बनाने का अधिकार है, आप बना सकते हो मगर केंद्र का कानून अभी जो बना है इससे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून नहीं बना सकते हो, इतना ही है। माननीय अध्यक्ष जी, एक मैंने कह दिया अगर 239AB, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि मंत्रियों के अधिकार अफसरों को दे दिए गए, कैबिनेट के अंदर अफसर कैबिनेट नोट भेजेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो दो सरकारों में रहा हूँ, गुजरात सरकार में रहा हूँ और अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में काम रहा हूँ। कभी मैंने एज अ मिनिस्टर कैबिनेट नोट साइन नहीं किया है, फाइल साइन की है मगर कैबिनेट नोट तो सेक्रेटरी ही भेजते हैं। शायद आप लोगों के राज्य में मंत्री की सिग्नेचर से जाती है तो मुझे मालूम नहीं है, अगर कोई ऐसा दूसरा राज्य है तो भी बताना चाहिए सदन को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खंडवार जवाब देना नहीं चाहते, इतना ही कहना चाहता हूं कि 45A 45(1) को जो उद्धृत कर सब लोग बोल रहे थे, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें दिए गए सारे प्रावधान ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 में पहले से मौजूद है, 93 से है जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। हम कुछ नया नहीं लाए मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है, फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं है साहब इसमें। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में अमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि कैसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए, मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं मगर ये नहीं करेंगे, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, उनको गठबंधन बचाना है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं,
ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर कर हुआ। लगभग लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं, खड़गे साहब जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर वो आपको देखना है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी जेडीएस ये नीतीश कुमार जी है, जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी कहते थे मैं पान का बंडवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर ये साथ में आ गए, साथ में क्यों आए? मान्यवर मान्यवर ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। माननीय मान्यवर, श्री संजय राउत ने कहा, I know, but just take it, don't get agitated, sir. We will have a good transactional business. Yes, leader of the opposition. Your point of order, sir? देखिए, जरा मुझे 2 मिनट चांस दीजिए बस। देखिए, शाह साहब, उन्होंने ऑर्डिनेंस पे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस को छोड़ के वो हमारे इमरजेंसी से लेकर और अब तक जो आगे 2024 में, अरे भाई चुप,
सब आधे कांग्रेस के हैं इसमें, आधे कांग्रेस में है। देखिए आप भी सब सब आप भी थे तो सर मेरा एक ही निवेदन है कि शाह साहब अच्छे भाषा में बोलते हैं, हिंदी में अच्छा, जैसा अंग्रेजी में हार्वर्ड को उन्होंने बोले कि अच्छे शब्दों में ऐसा वैसा ही वो भी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से व्याकरणबद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन को वो संदेश दे रहे हैं यहाँ से कि हम जीतेंगे माननीय खड़गे जी, और एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड और अपोजिशन का पूरा माननीय खड़गे जी माननीय अपोजिशन के टीका टिप्पणी कर रहे हैं, एक माननीय आप अपने माननीय खड़गे जी अपने विषय में बोलिए, वन सेकंड माननीय खड़गे जी आप डिबेट में करीब करीब पूरे समय रहे हैं, और डिबेट में आप करीब करीब पूरे समय रहे हैं पर कुछ समय आप नहीं थे। मैं आपको कह सकता हूं कि आप रिकॉर्ड को देखिए, सभी सदस्यगण ने अपने भाषणों के अंदर जो आयाम अपनाया है उसका रिस्पॉन्स है। ये नहीं ये 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 नो 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 ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर खड़गे साहब मैं ध्यान रखता हूँ माननीय मैं खड़गे जी का बैठ जाओ माननीय मैं खड़गे जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने माननीय मैं खड़गे जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे सदन की उच्च परंपराओं का ध्यान दिलाया। मैंने सदन की परंपराओं का ध्यान रखते हुए सटल वे में मेरी बात कही थी, परंतु माननीय मैंने सटल वे में ही करी थी, मैसेज आधा अधूरा गया था, खड़गे जी ने पूरा मैसेज डाल दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय संजय राउत जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुक कर नमन करता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई मोदी जी का बॉस कहता है, वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं। सुनिए मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का, मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते कहता हूं, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं भैया? हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? माननीय मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे, आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। और माननीय ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से, ठीक है भाई, चलो एक सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रशिया या चीन नहीं है, आपकी पार्टी तो
रशिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। मान्यवर इनको ये ठीक नहीं लगता। मान्यवर चिदंबरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं, दिल्ली में बीजेपी की दोनों बार सरकार नहीं हुई। भाई अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं, आपके तो ना संसद सदस्य है ना धारासभा में कोई सदस्य है। हमारे कम से कम सातों सात संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोल ही नहीं पाए। यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे, बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे, ओडिशा में नहीं बोल पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ये सदन का हर सदस्य देश के झर्रे झर्रे के लिए चप्पे चप्पे बोल सकते। किस तरह से देश के गृह मंत्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? मान्यवर मैं सदन का सदस्य हूं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंता करने का मेरा अधिकार है और संविधान दत्त अधिकार है। मान्यवर किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं? मान्यवर 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 मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे, और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार। मान्यवर मान्यवर उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं 11 तारीख को, एक सेकंड, सुन लिया बैठिए। मान्यवर मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता, ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते, एक सेकंड बैठ जाओ 267 के तहत चाहते हैं जिसमें मतदान का प्रावधान है। मान्यवर ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। मान्यवर 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मान्यवर ऐसा है जयराम जी आपको भी मालूम है, अभी नहीं हो सकती, कल अविश्वास का प्रस्ताव है, आपको मालूम है। मान्यवर देश की जनता सुन ले, 8, 9 और 10 अविश्वास का प्रस्ताव है, इसलिए मुझे कह रही है कि आज 8, 9, 10 में चर्चा करिए।
कांग्रेस पार्टी ही लाई है। और मैंने सदन के पहले दिन से आपको पत्र लिखा है मान्यवर कि सदन में कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, मैं हर बात का जवाब दूंगा, पर ये मेरा संवैधानिक दायित्व है। मगर जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती हो तब ये चाहते हैं मैं यहां बैठूं। मान्यवर इनको अविश्वास प्रस्ताव वही लेकर आए हैं, मगर इसकी संवैधानिक महत्व का मालूम नहीं है। सब अविश्वास का प्रस्ताव होता है, मैं वो सदन का सदस्य हूं, मुझे वहां रहना पड़ता है मान्यवर। और 11 तारीख में क्या बुराई है, क्या बुराई है 11 तारीख में, क्या बुराई है मान्यवर? चर्चा से भाग रहे हैं, ये चर्चा नहीं चाहते हैं मान्यवर, होने नहीं देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मान्यवर कि चर्चा करनी नहीं है, और चर्चा करे तब बोलकर भाग जाना है। आज अच्छा है कम से कम एकता दिखाने के लिए वोटिंग करने के लिए बैठे हैं, चलो वो बहाने से भी बैठकर संविधान के नियमों के हिसाब से, संसद के नियमों के हिसाब से चर्चा करी, इसके लिए धन्यवाद। मेरा पूरा सदन से मान्यवर निवेदन है कि जो मैं विधेयक लेकर आया हूँ इसको पारित किया।